तो दोस्तों, आप कंप्यूटर सिस्टम वायरस के बारे में तो जानते ही होंगे, जिससे कि कई बार आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है, कई बार हैंग हो जाता है, या कई बार उसमें बहुत सारा डैमेज हो जाता है, जिससे कि आपकी फाइल्स, आपकी फोल्डर्स, जो भी आपकी फाइल्स हैं वो जो है करप्ट हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वायरसेस के बारे में तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं दुनिया के 5 सबसे डेडलीस्ट वायरस के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। तो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है उसका नाम है कॉन्फिगर। कॉन्फिगर जो वायरस है वो 2008 में आया था और इसने 15 मिलियन कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज किया था। और इसने कंप्यूटर सिस्टम किया कि यूके के जो मिलिट्री के कंप्यूटर्स थे और जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सिस्टम थे उनको भी इसने डैमेज किया था। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में $9 बिलियन का बर्बादी हो गया था। अब यहाँ पर दूसरे कंप्यूटर वायरस की बात करें तो उसका नाम था आई लव यू। हाँ, ये कंप्यूटर वायरस है जो कि ईयर 2000 में आया था, ईयर 2000 में आया था, और इसने लगभग दुनिया के 10% कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्ट कर दिया था। और इसका ओरिजिन फिलीपींस में है, कि मतलब कि इसको फिलीपींस में बनाया गया था। तो ये जो है यूजर के पास ईमेल के थ्रू आता था, और ये कंप्यूटर वायरस जो है ईमेल के थ्रू आता था। तो ईमेल में लिखा, ईमेल के कैप्शन में लिखा होता था आई लव यू, और जब ईमेल को वो खोलता था यूजर, तो वहाँ पर एक VVS फाइल होती थी, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होती थी, जो नाम से थी loveletterforyou.vvs नाम से। तो जब भी यूजर जो है उसको खोलता था तो उसके कंप्यूटर सिस्टम जो है इफेक्ट कर जाता था, और ये जो है बहुत सारी JPG फाइल्स यानी JPEG फाइल्स और MP4 फाइल्स को भी डिलीट करता था। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी वजह से दुनिया के लगभग 10% कंप्यूटर्स इफेक्ट हुए थे, और इसने लगभग $10 बिलियन की बर्बादी की थी। अब यहाँ पर अपने तीसरे कंप्यूटर वायरस की बात करें तो उसका नाम था क्लेज, जो कि 2001 में आया था, और इसकी वजह से लगभग $19.8 बिलियन बर्बाद हो गए थे। और ये जो है कंप्यूटर वर्म था जो कि ईमेल के थ्रू स्प्रेड होता था। जब भी किसी कंप्यूटर सिस्टम में ये वर्म आता था, या ये मैन्युअली या ऑटोमेटिकली, मतलब कि अगर इस पर यूजर क्लिक कर देते थे तो ये रन होने लगता था, या खुद ब खुद भी रन होने लगता था। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था, जब ये वायरस एग्जीक्यूट होता था, तो ये कंप्यूटर सिस्टम में ईमेल एड्रेसेस को ढूंढता था, और ईमेल एड्रेसेस पर अपनी कॉपीज़ को भेजता था, ताकि ये जो है दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्ट कर पाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी वजह से $19.8 बिलियन की बर्बादी हुई थी। और यहाँ पर अब हम अपनी लिस्ट में अगले कंप्यूटर वायरस की बात करें तो उसका नाम था सोबिग। सोबिग कंप्यूटर वायरस ईयर 2003 में आया था, और इस कंप्यूटर वायरस ने लगभग 37.1 बिलियन की बर्बादी की थी। और ये जो कंप्यूटर वायरस था ये भी ईमेल के थ्रू ही फैलता था। तो होता क्या था कि किसी भी यूजर के पास एक ईमेल आता था जिसमें ऊपर कैप्शन में लिखा होता था अप्रूव्ड या गेट इट, ऐसा कुछ लिखा होता था, और जब भी उस एक्शन बटन पर यूजर क्लिक करता था तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम वायरस है वो आपके कंप्यूटर में आ जाता था और एग्जीक्यूट हो जाता था, और ये आपके सिस्टम में जो है बहुत सारी ईमेल्स एड्रेसेस को सर्च करने लगता था, और अपने कॉपीज़ को उन ईमेल एड्रेसेस पर भेज सकता था, ताकि दूसरे कंप्यूटर सिस्टम भी उस वायरस के से इफ़ेक्ट हों। और इससे लगभग जो है बहुत सारे एयरपोर्ट्स, बहुत सारे सर्वर्स डाउन हो गए थे। और माना जाता है कि US में जब सर्च किया गया, सारे ईमेल्स को स्कैन किया गया, तो हर 17 में से एक ईमेल जो है सोबिग वायरस के साथ अटैच्ड होता था। और इसने लगभग $37.1 बिलियन की बर्बादी की थी, जो कि एक बहुत बड़ी बर्बादी कर दी थी दुनिया में। अब हमारे लिस्ट में जो लास्ट और मोस्ट डेडलीस्ट कंप्यूटर वायरस है पूरी हिस्ट्री में, मतलब कि इसके जैसे कंप्यूटर वायरस ने बर्बादी नहीं किया था, इसका नाम था माइडोम। और माइडोम कंप्यूटर वायरस ईयर 2004 में आया था, और इसकी वजह से लगभग $38 बिलियन की बर्बादी हुई थी। और ये जब भी कंप्यूटर सिस्टम में आता था तो ये ईमेल के थ्रू आता था, और ये जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में बैकडोर बना देता था। बैकडोर का क्या मतलब है? तो जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में आता था तो सारी सिक्योरिटी ब्रीचेस को ये तोड़ देता था, और दूसरे वायरसेस को आने के लिए एक डोर प्रोवाइड कर देता था, एक रास्ता प्रोवाइड कर देता था, जिससे कि दूसरे वायरस भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में आकर आपके फाइल्स को इफेक्ट करें। तो ये जो है हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला कंप्यूटर वायरस था। इस कंप्यूटर वायरस ने लगभग $38 बिलियन की बर्बादी की थी।
तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपने यह जान लिया होगा कि कंप्यूटर वायरस के चलते दुनिया में कितनी बर्बादी हुई और अब तक का मोस्ट डेडलीस्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कल इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल बनाया है तो कल इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।